मध्य प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ से पीड़ित है, लेकिन राहत के नाम पर बाढ़ पीड़ितों के साथ शिवराज सरकार ने ऐसा मजाक किया कि आप भी देखकर हैरान रह जाएंगे। दरअसल बाढ़ पीड़ितों को खाने के लिए अनाज की बोरियां भिजवाई गई, लेकिन जब बोरियां खुली तो सब देखते ही रह गए, क्योंकि उसमें अनाज कम पत्थर ज्यादा दिखे। ऐसे में लोग सरकार से ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या बीमार करने के लिए अनाज भेजा है। शिवराज सिंह चौहान मुर्दाबाद, 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 शिवराज सिंह चौहान मुर्दाबाद। कंकड़, पत्थर, मिट्टी, कचरा और कबाड़ से भरी मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन की इन बोरियों के बीच आपको गेहूं के कुछ दाने दिखाई दे रहे होंगे। ये गेहूं मध्य प्रदेश के शिवराज सरकार ने भोपाल के इन बाढ़ पीड़ितों के लिए भेजा है बतौर मुआवजा। भरी हुई संजुरी में अंदाजा लगाना मुश्किल है कि अनाज ज्यादा है या मिट्टी के ठेले। मुफलिसी और कुदरत की मार के शिकार इन लोगों के साथ भद्दा मजाक देख लीजिए। सही ही तो कह रही हैं ये महिलाएं, मूसलाधार बारिश और बेहिसाब बाढ़ पहले ही गृहस्थी बहा ले गई, अब बची है तो बेबस जिंदगी, जिसे खत्म कर देने पर उतारू है भ्रष्टाचार के दानव। बताइए पीएम साहब, बताइए सीएम साहब, बताइए डीएम साहब, भोपाल की ये बेटी इस मुल्क के साहबों और सरकारों से सवाल पूछ रही है, जवाब दीजिए, क्या खाएंगे ऐसा अनाज आप? खैर जाने दीजिए, जहां बाढ़ के बाद राहत सामग्री मिलना दुश्वार हो, वहां गूंजती हुई आवाज का जवाब देने की हिम्मत कौन दिखाएगा। बहरहाल मध्य प्रदेश सरकार के राजस्व विज्ञान मंत्री उमा शंकर गुप्ता कुछ कह रहे हैं। गवर्नमेंट का नागरिक आपूर्ति निगम इस तरह की गेहूँ दे रहा है जिसमें आधी मिट्टी है, ये आदमी क्या इसमें खाएगा? ये सीधा भ्रष्टाचार का मामला है। आधी मिट्टी आधा गेहूँ, ये नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारी और चेयरमैन वगैरह सब इसमें आधा पैसा खा चुके हैं। दावों की दरिया दिली मत दिखाइए मंत्री जी, अगर कुछ करना ही है तो भ्रष्टाचार के चादर में लिपटे हुए उन ठेकेदार, मुंशी और मुनीमों की चोर चौकड़ी पर कार्रवाई कीजिए और इन गरीबों को इनके हक का अनाज दे दीजिए ताकि बची रहे जिंदगी। आज तक ब्यूरो। राहत के नाम पर बाढ़ पीड़ितों के पास पत्थरों का पहुंचना दरअसल जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा ही है।